हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट श्वेता भारद्वाज। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इंडियन ग्रॉसरी शेयर करूंगी। कल मैं मॉल गई थी तो कुछ सामान हम लोग लेकर आए थे, जैसे कि आप ऑलरेडी पता ही है, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट करने के लिए जो है वो मैंने कुछ चीज़ें पहले ही प्रायर ले ली हैं, स्टॉकअप कर ली हैं कि हमें नए घर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैंने जो है, लेट मी शो यू, ये स्कॉच ब्राइट के ना प्रीमियम किचन टॉवल ली हूँ। जो ये किचन टॉवल है, ये बेसिकली जो है वो कॉटन टॉवल्स होते हैं फॉर सुपीरियर क्लीनिंग, ऐसा लिखा हुआ है। 100% कॉटन, हाई ऑब्जर्वेंसी, इस तरीके से इसके अंदर जो है ये टॉवल्स हैं। ये पैक ऑफ 3 है, तो हम इसे मतलब बेसिकली क्लीनिंग के लिए भी रख सकते हैं। अच्छे हैं कपड़ा वगैरह, मैं आपको एक बारी खोल के बता देती हूँ। मैं इसका साइज आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये इस तरीके से इतना बड़ा कॉटन का, ऐसे बड़े बड़े 3 हैं, जो कि बेसिकली क्लीनिंग के पर्पज से, और स्टफ भी अच्छा है इसका। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है ये स्कॉच ब्राइट का स्पॉन्ज वाइप्स। ये तो आप लोग, बहुत लोग अपने घर में यूज़ करते होंगे। ये मैंने 3 वाइप्स का पैकेट लिया है। अच्छा है ये, बहुत जल्दी से ना क्लीनिंग हो जाती है इसमें ना, स्लैब वगैरह पे सही रहते हैं। ये मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं तो ये रीस्टॉकअप है। नेक्स्ट मैंने ये पैक ऑफ 2 जो है हैंड टिश्यूज़ के बड़े वाला जो पैकेट होता है वो लिया है। शिफ्टिंग के बाद मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है 7th ऑगस्ट को, तो हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसी के लिए मैंने ये जो है टिश्यू पेपर्स खरीदे। नेक्स्ट मैंने ये लिया है, अभी वही सेम चीज़, नया जगह पे शिफ्ट होना है तो क्लीनिंग प्रॉपर पहले करनी पड़ेगी। तो ये लाइजॉल का डिसइंफेक्टेड किचन क्लीनर है, मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बट जस्ट इसका अच्छा सा एक नोबल रहता है, यहाँ से स्प्रे बॉटल आप स्प्रे करो और इजीली जो है वो किचन टॉप और आपका जो गैस रहता है कुक टॉप, उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने ये लिए हैं स्कॉच ब्राइट के किचन ग्लव्स, जो कि थोड़ा सा ये रहता है, प्रोटेक्ट रहते हैं आपके हैंड्स ना, आप क्लीनिंग कर रहे हो तो। ये अल्ट्रा सॉफ्ट कॉटन लाइनिंग वाले हैं, नॉन स्लिप ग्रिप में। ये मैंने पहले यूज़ किए हुए पिंक कलर के 2 पीसेज हैं इसके अंदर, जैसे कि पिक्चर में क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट मैंने ये बाय वन गेट वन मिल रहे थे मॉल में, ये ऑलिव का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये मैं बेसिकली जो सैलड्स वगैरह बनाती हूँ तो उसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने खरीदा है। ड्रेसिंग के लिए आप मेक श्योर करना हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना, ये बेस्ट रहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये बड़ा बॉटल मैंने पैंटीन का लिया है। ये अपने बच्चों के वॉशरूम के लिए मैंने लिया है, उनके लिए शैम्पू की बॉटल। ये भी बाय वन गेट वन थी, बट मैंने इसका सिंगल ही लिया, मेरे को जो है कि ज़्यादा नहीं चाहिए था, काफ़ी बड़ी यूज बॉटल है ये। ये अप्रॉक्सीमेटली 650 ml की और 775 rupees की जो है वो मुझे पड़ी थी। और हाँ सॉरी, ये बाय वन गेट वन नहीं था, ये सिंगल ही था, जो मैं आगे आपको चीज़ें दिखाऊंगी जो बाय वन गेट वन थी। नेक्स्ट ये कुछ मैंने सोप्स लिए हैं सिंथॉल के, ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। ये मैंने नीविया का वाटर लिली एंड ऑयल शार जेल लिया है, ये भी मैंने अपने बच्चों के लिए लिया है। नेक्स्ट ये स्कॉच ब्राइट के स्पॉन्ज वाइप्स लिए हैं। ये मैंने अभी, ये जो पर्पस था इसका, जो है बर्तन धोने के लिए नहीं, ये वहाँ जाके जो हम थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह करेंगे उसके लिए है। बर्तन धोने के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक मेरे पास पड़ा है, तो मेरे को लगा कि चलो एक और ख़रीद लेते हैं, वहाँ घर के लिए कुछ ले रहे हैं तो। नेक्स्ट एक ये प्रोडक्ट लिया है मैंने अपने लिए, ये है बेला वीटा लग्जरी ग्लैम वूमन यूजे परफ्यूम। मैंने परफ्यूम लिया है, ये इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी, मैंने ऐसे टेस्टर यूज़ किया तो मुझे लगा कि ले लेती हूँ। 999 की इसकी MRP थी और मुझे 599 rupees का पड़ा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है, मैंने इसका टेस्टर ट्राई किया था। और इसी के साथ मेरा एक बॉक्स ऑफ ग्रॉसरी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये मैंने लाइजोल का ऑल इन वन डिसइंफेक्टेड सरफेस क्लीनर लिया है।
अगेन नई जगह जाना है, क्लीनिंग वगैरह इम्पॉर्टेंट रहती है, तो मैंने कुछ एसेंशियल लिए हैं क्लीनिंग के लिए, तो ये वही उसमें से एक है। नेक्स्ट जो है अभी नेक्स्ट बॉक्स हम खोलते हैं। इसमें नंबर वन मेरी फेवरेट कॉफ़ी, ये डेविड ऑफ की एस्प्रेसो डार्क एंड चॉकलेटी कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है 100% अरेबिका। ये आप लोग ट्राई करना ज़रूर, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया है तो, ये वाला वेरिएंट कॉफ़ी का बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैंने ये हैप्पी लो की ड्राई ब्लूबेरीज ली है, ये बाय वन गेट वन थी वहाँ पे, और अच्छी हैं, सही हैं, बढ़िया हैं। मैं बेसिकली इसको ओट्स वगैरह में, या मेरा बेटा खाता है उसी में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हाँ ये मैंने लिया है, मैं बेसिकली सर्फ एक्सल फ्रंट लोड यूज़ करती हूँ, कभी कभारी एरियल भी यूज़ करती हूँ। तो कल मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे थे इसके डिस्ट्रीब्यूटर, जो प्रोमोटर्स होते हैं बेसिकली वो थे, तो उन्होंने कहा मैम एक बार आप ट्राई करें, ये बाय वन गेट वन था, तो ये एक लीटर की बॉटल 250 की थी, तो 250 का एक बॉटल है ये, और इसके साथ ये ऐसे बाय वन गेट वन था, तो मैंने ऐसी ऐसी जो है वो चार बॉटल्स ली लॉन्ड्री के लिए। अगेन वही ना, लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमने कहा चलो स्टॉकअप कर रहे हैं तो कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने ये पिल्सबरी का चोको स्प्रेड लिया है, मेरे बच्चों को पैनकेक बहुत पसंद है, तो ये उसके लिए लिया है। नेक्स्ट पीछे मेरा बेटा बोल रहा है, ये एक स्कॉच ब्राइट लिया है मैंने, अगेन वही क्लीनिंग के लिए लिया है, ये स्टील वूल वाला एक ही लिया है, बाकी स्टॉक घर में ऑलरेडी था। नेक्स्ट ये तो उसी का ही बॉटल है। नेक्स्ट मैंने ये यूनिबिक के ना चोको चिप कुकीज़ लिए हैं, ये भी बाय वन गेट वन थे, तो ये मेरे बच्चों को पसंद है मीट वगैरह के लिए इवनिंग में, तो मैंने ये लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है, सेकंड लास्ट आइटम है, डेल मोंटे का ये स्पाइरल पास्ता, और ये भी बाय वन गेट वन था, तो मैंने ये भी ले लिया। पास्ता बहुत यूज़ होता है, मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और एक पास्ता रेसिपी मेरी जो है वो उसमें है भी, जो मेरे चैनल है आप लोग फिर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने एक किचन टावल लिया है, और एक मैंने ये वाला किचन टावल लिया है जो कि एक स्टैंड के साथ है, ये 50% ऑफ पे था, तो ये 375 इसका MRP था, तो 50% ऑफ पे जो है ये मेरे को मिला था। तो ये है हमारा लास्ट प्रोडक्ट, तो इसी के साथ हमारी ग्रॉसरी की ये वीडियो यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और फर्दर जो है मैं आप लोगों के साथ ऐसे हॉल्स लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो या कुछ और जानकारी आपको इस चीज़ के लिए लेनी हो तो आप फ्री हैं, कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, जो भी प्रोडक्ट आपको सही लगे अच्छे लगे। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट टाइम के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।